देखिए आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। और मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़े। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं खाले या उनको यहां वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद, बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, अभी आईपीएल चालू भी नहीं हुआ है और आईपीएल का क्रेज अभी से ही दुनिया भर में दिखने लगा है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल क्रिकेट लीग है, इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आईपीएल का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने 30 अरब डॉलर की वैल्यू वाले आईपीएल को होल्डिंग कंपनी में बदलने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों से बात की है। ये बातचीत तब हुई जब सऊदी क्राउन प्रिंस सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब ने लीग में $5 बिलियन तक निवेश करने और अन्य देशों में विस्तार करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। सऊदी अरब चाहता है कि फुटबॉल लीग की तरह आईपीएल का दूसरे देशों में विस्तार हो। सऊदी अरब जल्द से जल्द इस प्लान पर काम करना चाहता है, हालांकि भारत सरकार और बीसीसीआई पूरे विचार विमर्श के बाद ही इस पर कोई फैसला लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आईपीएल में सऊदी अरब को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। और चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ $5 बिलियन इन द लीग। एडिशनली दे प्रपोज असिस्टिंग इन एक्सपेंडिंग द आईपीएल प्रेजेंस ग्लोबली। यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है और सऊदी अरेबिया वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी, देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती रही और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही है। अच्छा अब आप ये भी याद रखिए कि जो सऊदी अरेबिया है वो स्पोर्ट्स में खासतौर पर क्राउन प्रिंस की तरफ से बहुत इंटरेस्ट शो किया जाता है, जैसा कि वर्ल्ड क्लास
और वर्ल्ड नंबर वन फुटबॉलर रोनाल्डो उनकी सऊदी अरेबिया की टीम के एम्बेसडर हैं। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट हुए। दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर टी ट्वेंटी लीग है, ठीक है जी, वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है, और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था, अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्फ्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया। दैट इज़ वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं, उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर टी ट्वेंटी लीग में बजाएँ और काम करें, लेकिन जारी बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जारी बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टीना रोनाल्डो, वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला वन, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और वो उससे ये भी है कि यूएई की क्योंकि मोनोपोली थी, और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की ये ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए सऊदीज़ रोल प्ले करेंगे, और सऊदीज़ कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट के वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पोलिटिकल रेलिवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं।